फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा मुझे आज की जूम मीटिंग के लिए। तो आज की जूम मीटिंग जो खास करके रखी गई है, ओजोन 2.0 वर्जन को के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो यूँ समझ लीजिए कि ओजोन 2.0 हमारा एक नेक्स्ट जनरेशन का प्लेटफॉर्म है और हमारे नेक्स्ट लेवल के इनकम सोर्स भी है। जो जो लोग भी वेट एंड वॉच में है ओजोन 2.0 के, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी जबरदस्त मिल रही है। हम ग्लोबली हर तरह से प्रमोश होने वाले हैं। इवन कंपनी के तरफ से भी ग्लोबल प्रमोशन का ऑफर रखा गया हुआ है। कंप्लीटली कर रही है। हर इंसान को, हर किसी के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जो लोग भी ओजोन 1.0 में काम कर रहे हैं उनको किसी तरह से भी कोई भी नेगेटिव जो उनके माइंड में चल रही है उसको ना रहने दे। हर लोग उनको प्रॉपर नॉलेज दे कि हमारा जो जो हमारी जो सिस्टम है एक्चुअल में ये लॉन्ग लास्टिंग सिस्टम है, और डे वन से ही बताया जा चुका है कि ये सिस्टम सर्वाइवल है। ये सिस्टम ऐसा कुछ एमएलएम का कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो, कोई ऐसा क्राउड फंडिंग नहीं है जो कि शॉर्ट टर्म हो। यहाँ पे कोई भी ऐसी कोई भी वो जो बाकी जगहों पे हम लोग को देखने को मिलता है उस तरह की एक्टिविटीज से हम लोग बिल्कुल अलग है। हमारा सिस्टम ही अलग है, हमारा प्रिंसिपल ही अलग है। डे वन से जो हमारा सिद्धांत रहा है वो पब्लिक कम्युनिटी उसी के लिए है। तो हर बार कम्युनिटी को ही आगे रखा गया है। कंपनी का कभी ऐसा इंटेंशन नहीं हुआ है कि मुझे यहाँ पे अर्निंग करनी है पब्लिक से, बल्कि ये रहा है कि हमें पब्लिक को सर्विस देनी है। राइट, तो ये पहली ऐसी पूरी दुनिया में कंपनी मुझे मिली है मेरी नजरों के सामने। आपके पास भी एक्सपीरियंसेस है, आपको भी पता होगा कि ओजोन ने हर एक चीज जो कहा, जो इसका सिद्धांत था उसको फुलफिल किया। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई जो ओजोन ने कमिटमेंट करी हो और वो फुलफिल ना हुई हो। राइट, वो देर सवेर वो जरूर फुलफिल हुआ है। तो यहाँ एक अच्छा फ्यूचर हमें दिखता है, और मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजी दिखती है, जो हमारी जो टेक्निकल स्ट्रेटेजी हो, चाहे फिनेंशियल स्ट्रेटेजी हो, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो, हर चीज में ट्रांसपेरेंसी दिखती है और हर चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जो अभी तक लोग हमारे सिस्टम के बारे में समझे, बहुत कोशिश करी लोगों ने कि हमारे जैसा सिस्टम लेकर आए, लेकिन आज भी नाकामयाब रहे। और जब तक हमारे ओजोन 1.0 वर्जन के जैसा प्लेटफॉर्म लेकर के आने की सोच ही रहे थे, कोशिश तो बहुत करी कर नहीं पाए, और हम उनको एक दूसरा झटका देने जा रहे हैं ओजोन 2.0 जो उनकी तो बस की है ही नहीं। राइट, उनको उतना ही टाइम देना पड़ेगा जितना कि हमारे सिस्टम को देना पड़ा है। लगभग 5 साल की मेहनत है जिसके वजह से ओजोन 2.0 आ रहा है, क्योंकि ओजोन 1.0 बनाने में भी कंपनी को 3 साल तक मेहनत करने पड़े थे, और 2.0 के लिए यूं समझ ले कि 5 ईयर्स की कंसिस्टेंसी मेहनत रही है, जिसकी वजह से आज हम लोग इस लेवल पर जा रहे हैं। पूरी दुनिया इंतजार में है कि ओजोन 2.0 वर्जन कब आ रहा है। जो पुराने लोग हैं उनके लिए भी खुशखबरी है, जो नए लोग हैं उनके लिए भी खुशखबरी है। बहुत ऐसे लीडर हैं जो कि वेट एंड वॉच में है कि नहीं पुराना, क्योंकि मेंटेलिटी कुछ लोगों की ऐसी हो जाती है, वो सोचते हैं कि नहीं मुझे नया कुछ मिलेगा तभी करूँगा। तो वैसे लोगों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, और जो ऑलरेडी हैं उनके लिए तो सोने पे सुहागा है। आप अभी तक 30 अप्रैल तक तो हमारी स्टेकिंग पुराने वाले पर होगी। 1 तारीख से ऐसे अनाउंसमेंट नहीं है, बट प्रोबेबली चांसेस है कि 1 तारीख से हो जाएगा हमारा 2.0 लॉन्च। बट एक अनाउंसमेंट यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कि 30 अप्रैल को
हमारी ग्लोबल मीटिंग होगी जो कि 21-22 तक का हम लोग सोच रहे थे करने के लिए, लेकिन सर लोगों के पास अभी उतना सबके पास टाइमिंग नहीं है कि वो 21 या 22 में कर पाए। राइट, तो 30 से अप्रैल की टाइमिंग के लिए डिसाइडेड हो रही है, तो 30 अप्रैल में टाइमिंग का आपको पता चल जाएगा। उसमें हमारे जो भी ग्लोबल टीम है वो सारी टीम वहाँ पे अवेलेबल होंगी, सारे मैनेजमेंट की टीम होंगे, सारे टेक्निकल टीम होंगे, सारे मार्केटिंग की टीम होंगे, इवन जितने भी एक्सचेंजेस हैं उनके लोग होंगे, ये सारे सब लोगों के साथ में एक ग्लोबल मीटिंग होगी और बहुत जबरदस्त होने वाली है। उसी दिन हमारा वाइट पेपर और टेस्ट नेट ये सारी चीजें उस दिन हम लोग प्रॉपर तरीके से दे पाएंगे। उस दिन ही डिसाइड हो जाएगा कि किस दिन हमारा मैंडेट हो रहा है, बहुत टाइम नहीं लगेगा। यूं समझ लीजिए कि 15 अप्रैल, सॉरी 15 मई तक या उससे पहले आपको ये मिल जाएगा कि आप नई ज्वाइनिंग यानी हमारी जो भी ओजोन 2.0 की है एक्सचेंज से क्वाइन बाई कर पाएंगे और वहां पे आप स्टेक कर पाएंगे। तो ये हमारी प्लानिंग है। अब हम लोगों की जिम्मेदारी ये होती है कि हम इसको मैक्सिमम लोगों तक फोकस करें कि आप इस चीज को लें। दूसरी चीज ये है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि क्वाइन को हम क्या करें, लाइक हमारा 70% जो डेली की जो माइनिंग आ रही है, या जिनके पास क्वाइन अवेलेबल है 100, 200, 500, 1000, 2000 वट एवर जो क्वाइन है, उनको करना क्या है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि सब लोग क्वाइन को स्टेक में लगा दें। क्योंकि अगर आप 1000, 2000 क्वाइन अगर आपके पास है भी और जब स्वैपिंग स्टार्ट होगी तो ये श्योरिटी नहीं है कि आप 1000, 2000 क्वाइन एक दिन में आप स्वैप कर पाएंगे, क्योंकि वो भी डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा। जितनी क्वाइन की डिमांड होगी पहले आपको रिक्वेस्ट लगानी होगी, सारे लोग स्वैपिंग का रिक्वेस्ट लगाएंगे, 24 आवर्स में स्वैपिंग की जो रिक्वेस्ट होगी उस रिक्वेस्ट को कंपनी चेक कर लेगी कि कितना रिक्वेस्ट आया है। सपोज कम्युनिटी से 10,000 क्वाइन का स्वैप का स्टेक आया है, रिक्वेस्ट आया है 24 आवर्स में, राइट, तो कंपनी ये डिसाइड करेगी कि हमारा 24 आवर्स में प्रीवियस में लास्ट 24 आवर्स में कितना डिमांड हुआ। जितना डिमांड होगा उतना ही स्वैप की परमिशन दी जाएगी। उसमें भी कुछ कंडीशंस होंगे कि मिनिमम एक क्वाइन जिनके पास होगा वही लोग स्वैपिंग के लिए एलिजिबल होंगे, और उसमें भी ये होगा कि मैक्सिमम कुछ पोर्टफोलियो रहेगा कि आप इतना ही क्वाइन कर सकते हैं। यानी कि अगर कहा गया कि डेली का 10% आप स्वैप कर सकते हैं, तो डेली का 10% भी एक कंडीशंस हो सकता है, प्लस सपोज किसी बंदे ने 1000 क्वाइन एक ही बार लगा दिया तो जरूरी नहीं है कि उनके लिए 10% ही ये मिले, राइट, यानी कि एक मैक्सिमम क्राइटेरिया भी हो सकती है कि मिनिमम 1 क्वाइन और मैक्सिमम 5 क्वाइन और 10 क्वाइन आप एक दिन में कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा, ये डिपेंड इसलिए करेगा क्योंकि लोगों के पास जो भी माइनिंग्स आ रहे हैं तो हमारा जब 2.0 जब स्टार्ट होगा तो उस टाइम में कितनी डिमांड हो रही है, क्योंकि उसको समझने में भी थोड़ा लोगों को टाइम लगेगा, समझाने में भी थोड़ा लोगों को टाइम लगेगा, टीम बिल्ड करने में टाइम लगेगा। तो पहले तो लोग कम कम क्वाइन से जो भी क्वाइन होगा उससे टीम को बिल्डअप करना शुरू करेंगे, फिर आम पब्लिक को प्रमोट करेंगे। तो मुझे लगता है कि शुरुआत का जो 10-15 दिन होंगे इसमें लोग ज्यादातर लीडर्स के ऊपर फोकस करेंगे, फिर न्यू लोगों के ऊपर फोकस करना शुरू करेंगे। तो 10-15 दिन के बाद में फिर एक भीड़ आने शुरू करेगी, फिर ये क्या होगा जो अभी 10% या 20% या 30% एज पर डिमांड जितना रहेगा उतना स्वैपिंग में जाएगा, लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी फिर ये 100% ओपन हो जाएगा। तो यूं समझ लीजिए कि 10-15 दिन आपको कम में मिलेगा, उसके बाद धीरे 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 पोर्टफोलियो बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। और हमारा जो अभी का जो सिस्टम है
वो काफी स्टेबल हो रहा है। प्लान भी बहुत जबरदस्त बनकर रेडी है, जहाँ पे हम लोग डिफरेंशियल इनकम ले पा रहे हैं, यानी कि स्टेकिंग में जो भी हमें हमें आप अभी क्या मिल रहा था कि हम स्टेकिंग में सिर्फ 15 लेवल का ही इनकम ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो इनकम होगा वो 15 लेवल का नहीं बल्कि 1500 या 15,000 डेप्थ में भी बिजनेस होगा तो अपलाइन को जाएगा एज ए डिफरेंस। हर जैसे डायरेक्ट में 5% मिल जाएगा, उसके नीचे वाला जो करेगा तो उससे 2% का डिफरेंस मिल जाएगा। अगर आप उसमें स्लैब बना हुआ, और सपोज अगर आपने कुछ बिजनेस कर लिया जैसे 0 से 100 के बीच में, तो आपको 5% मिलेगा, लेकिन जैसे ही आपके नीचे बिजनेस, टोटल बिजनेस नॉट फॉर आपका डायरेक्ट, टोटल बिजनेस अगर 100 का हो गया तो आपका लेवल चेंज हो जाएगा और आप नेक्स्ट लेवल पर आ जाएंगे, सेकंड लेवल में। फिर आपको 7% मिलेगा आपके डायरेक्ट पे, और फिर नीचे से जो बिजनेस आएगा तो वो जो डिफरेंस आपके डाउनलाइन से जो डिफरेंस बच करके आएगा उसका भी मिलेगा। तो इस तरह से यूं देखे बहुत सारे लोगों का जो ये शिकायत होती थी कि सर 15 लेवल के बाद तो कुछ इनकम आता ही नहीं है, मैं टीम में क्या करूं क्यों करूं, तो ये जो मारा मारी थी ये बिल्कुल खत्म हो रहा है कि आप 15,000 लेवल पे भी जाएंगे तो आपको इनकम मिलेगा। राइट, तो ये प्लान है। दूसरा ये है कि रिवॉर्ड एंड रॉयल्टी, रिवॉर्ड एंड रॉयल्टी एज इट इज है जैसा पहले वाले में था, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार, ये सारा का पहले में जैसे था वैसे ही यहाँ पर भी है। राइट, यानी वहां पे भी आपको फर्स्ट रैंक अचीव करने के लिए 20 ओजोन का बिजनेस करना होता था, यानी सॉरी 5 मिलते थे, तो यहाँ पे इसी तरह से लगभग मिलता जुलता आपको यहाँ पे मिलेगा सेम एज इट इज, जो कि आप स्टार लेवल अचीव करेंगे। दूसरी इसमें इनकम है माइनिंग की। तो माइनिंग की इनकम में इसमें क्या है कि आपको 20 लेवल की माइनिंग मिलेगी, हर लेवल पे 0.01% मिलेगा प्रिंसिपल का। यहाँ पे 70% काउंट नहीं हो रहा है, 100% बिजनेस काउंट होगा। तो हर लेवल पे 0.01% का आपको 20 लेवल तक मिलेगा। दूसरी चीज इसमें एक और है कि 10 लेवल का डिफरेंशियल माइनिंग भी मिलेगा। एक जबरदस्त इनकम यहाँ पे दिख जा रही है कि हमें डिफरेंस स्टेकिंग पे तो मिल ही रहा है। राइट, कि हम 1,000 लेवल नीचे पे भी बिजनेस अगर हो रहा है, हम उसे एलिजिबल हैं तो हमें उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ हमें जितनी भी टीम बिजनेस से जो भी ज्वाइनिंग लग रही है उससे हमको डिफरेंस मिल ही रहा है, लेकिन उस बंदे जो बंदे ज्वाइन है, जितना भी आपके नीचे बिजनेस हो चुका है, जो जो बंदे माइनिंग कर रहे हैं माइनिंग का भी डिफरेंस आपको मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा इनकम यहाँ पे जुड़ गया है एज ए लीडर के लिए, जो कि बिल्कुल ही यूं समझ ले कि बहुत ही मजेदार इनकम मिल गया, यानी कि अब कोई ये शिकायत नहीं करेगा कि 15 लेवल के बाद में मुझे इनकम नहीं आता है। 15,000 लेवल से भी आपको माइनिंग भी मिलेगी, और सॉरी लेवल माइनिंग भी मिलेगी और डिफरेंस माइनिंग भी मिलेगी, और साथ ही साथ डिफरेंस जो स्टेकिंग है वो भी मिलेगी। ये एक जबरदस्त प्रोग्राम रखा गया है। इसके अलावा भी एक और इनकम इसमें ऐड किया गया है कि ये एक तरह से प्रमोशनल इनकम है, परफॉर्मेंस इनकम इसका नाम है, कि लाइक बूस्टर वगैरह कुछ भी, और नेम अभी डिसाइडेड होगी कंपनी की तरफ से, बट जो मेरे पास जो चार्ट आया उसमें यही है कि जो भी इनकम लोग जनरेट कर रहे थे अभी, उसमें जो उसमें से 5% लोगों का डिडक्ट किया जाएगा, और जितने भी लेवल अचीवर्स हैं उसमें 0.5 0.5 0.5 करके 10 लेवल तक आपको मिलने वाला है। राइट, ये एक जबरदस्त इनकम ऐड कर दिया गया है, जिससे कि बहुत सारे लोगों का शिकायत ये होता है कि डिफरेंस इनकम में अगर सेम लेवल में लोग आ जाते हैं तो वहां से आपकी इनकम उस लेग से नहीं आती।
राइट तो यहाँ पे चीजें खत्म हो जाएगी कि जो भी बंदा आपके नीचे का लेवल अगर आपके लेवल में आ भी गया फिर भी उसकी बिजनेस उसको जितना इनकम आ रहा है उसका 0.5 आ जाएगा, फिर उसका डाउनलाइन से भी जो आ रहा है जितने भी सारे लोगों के उससे भी आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा इनकम हो जाता है, 0.5% दिखने को मिलता है यानी कि, लेकिन ये बहुत बड़ा इनकम यानी 5% आपको इनकम आ रहा है ना कि 0.5, चूंकि 10 लेवल से आएगा तो 5% आपको इनकम मिलकर आ रहा है। ये एक लेवल वाइज इनकम बहुत जबरदस्त, यूं समझ लीजिए कि ओजोन 2.0 के जैसा प्लान पूरी दुनिया में नहीं है, इनकम इस तरह का किसी ने कर ही नहीं पाया आज तक। किसी भी ब्लॉकचेन में आपने नहीं देखा होगा कि डिफरेंस इनकम का प्रोग्राम आपको दिया जा रहा हो, और यहाँ तक कि ये भी चीज है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो ये भी रखता है कि आज तक जितनी भी कंपनीज आई हैं उन्होंने थर्ड पार्टी प्रोग्राम बनाया है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बनाया है और वहां से मैनेज किए हैं पूरी टीम को। ब्लॉकचेन से उनका कोई नाता नहीं होता है, लेकिन ओजोन इज द फर्स्ट कंपनी कि जहां पे सारी की सारी हायरार्की, सारी की सारी जो बिजनेस स्ट्रेटेजी, डिस्ट्रीब्यूशन, ईच एंड एवरीथिंग ऑन द ब्लॉकचेन। ये एक हमारे लिए सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है और अब जो हम देने जा रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज है, और इसमें करोड़ों क्या अरबों लोगों की भी ज्वाइनिंग हो सकती है, इतनी पावरफुल सिस्टम बनाई गई है। यानी कि नॉर्मल जो बहुत सारी कंपनीज होते हैं उसकी जो डिफरेंशियल प्रोग्राम होते हैं वो क्रैक होने लगते हैं जब ज्यादा ज्वाइनिंग आने लगती है, क्योंकि वो सिस्टम काम ढंग से नहीं करता है, बार बार मेंटेनेंस में जाता है। तो ये चीजें ब्लॉकचेन में ये जो कोडिंग करी गई है बहुत बड़े लेवल की प्रोग्रामिंग है, यानी आप यूं समझ लें कि जबरदस्त इनकम है। अभी जो हमारा जो ब्लॉकचेन बना है वो ईवीएम सपोर्टेड है, यानी इथेरियम ब्लॉकचेन जो है ईवीएम, उसके सारे फीचर्स उसके अंदर डाले गए हैं, और एवलांच जो ब्लॉकचेन है उसके सारे फीचर्स और उनकी जो सॉल्यूशंस है लेयर एवलांच की, तो वो सारे सॉल्यूशंस और हमारा खुद का सारे के सारे आर्किटेक्चर जो बनाई गई है वो खुद की बनाई गई है। तो यूं समझ ले कि स्पीड जो हम जो अभी तक जो 10 लाख ट्रांजेक्शंस की स्पीड दे रहे थे, तो अभी हमारा जो सिस्टम बन रहा है इस तरह का फ्लेक्सिबल सिस्टम बन रहा है कि 10 लाख तो हम स्पीड ट्रांजेक्शन की दे ही रहे हैं, बट इन फ्यूचर अगर हम चाहें स्पीड को तो हम 10 लाख के जगह पर 1 करोड़ भी टीपीएस को कर सकते हैं। इस तरह का सिस्टम बनाकर दिया गया है, यानी डिपेंड करेगा हमारे हार्डवेयर के ऊपर, यानी कि कोडिंग को इतना फ्लेक्सिबल कर दिया गया है कि अभी हम लोग 10 लाख ट्रांजेक्शन तो दे ही रहे हैं, हम उसे 10 मिलियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हार्डवेयर हमने ज्यादा पावरफुल लगा दिया। ये डिपेंड करेगा हमारे कम्युनिटी पे, जो रैम जो जो भी सेटअप जो कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर ये हार्डवेयर जो हम लोग यूज कर रहे हैं सर्वर्स की, तो ये और भी चीजें अचीव करी जा सकती, इतनी फ्लेक्सिबल चीज बना करके दी गई है। यानी यूं समझ ले अब तक का सबसे लेटेस्ट ब्लॉकचेन पूरी दुनिया के लिए ये बन करके रेडी हो रही है, और इसका जो व्हाइट पेपर है, जब व्हाइट पेपर आपको शो किया जाएगा आप व्हाइट पेपर पढ़कर समझ जाएंगे कि वाकई में हमारा ब्लॉकचेन क्या है। इतनी ट्रांसपेरेंट ब्लॉकचेन के व्हाइट पेपर और हमारा जो टेक्निकल व्हाइट पेपर जब आप पढ़ेंगे तो आप इतना कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, यूं समझ ले कि मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरे पास उसके डेमोज आए हुए हैं राइट, लेकिन अभी चूंकि फाइनल व्हाइट पेपर नहीं है तो जैसे ही फाइनल होगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा, लेकिन उसमें कुछ चीजें मतलब आपको पढ़ने के बाद में ये समझ में आ जाएगी कि वाकई में क्या है ये ओजोन। आप व्हाइट पेपर अगर किसी बंदे को सिर्फ दे देंगे वो ढंग से अगर समझ जाएगा तो वो ज्वाइन कर लेगा। इवन व्हाइट पेपर जो हमारा ये बन रहा है ना विद रेफरेंसेस बन रहे हैं, यानी कि जैसे हमारा जो पुराना जो व्हाइट पेपर था तो वो एक इनिशियल व्हाइट पेपर था, उसमें बहुत सारी चीजें नहीं लिखी गई थी, पहली बार वो कभी अपडेट हुआ ही नहीं हुआ राइट, क्योंकि कोई भी कंपनी होती है वो अपने व्हाइट पेपर को बार बार अपडेट करती है, लेकिन हमारा व्हाइट पेपर में अपडेट नहीं हुआ बहुत सारे कारणवश, क्योंकि हम लोग बहुत सारे अपडेट्स अपने इसमें करते रहे ब्लॉकचेन के अंदर में टेक्नोलॉजी में करते रहे, इसलिए उस पर फोकस नहीं किया गया।
बट जो ओजोन 2.0 का जो व्हाइट पेपर आ रहा है वो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली अपडेट होकर के आ रहा है। तो जब आप व्हाइट पेपर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वाकई क्या चीज़ है, और विद रेफरेंस आपको एक एक आर्टिकल्स कि हाँ लोगों को ये भी पता चलना चाहिए कि अगर वो जोन जो बात कह रही है ये साबित भी कर रही है, यानी कि और सिर्फ ओजोन के आर्टिकल्स में नहीं बल्कि बाकी दुनिया के जो ब्लॉकचेन के जो डेवलपर्स हैं जो उनकी जो है, जैसे यूँ समझ ले कि हम अगर एवलांचे यूज कर रहे थे, एवलांचे सबनेट में क्या उन्होंने क्या क्या चीजें करी है, रेफरल चीजें वो सारे का रेफरेंस लोगों को दिया, नहीं पूरी दुनिया को हर एक चीज ट्रांसपेरेंट करके दी जा रही है कि आपको पूरा यकीन हो जाए कि वाकई में ये ओजोन है और उस चीज पे चल रही है। ये कोई ऐसी चीज तो नहीं दे रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल जो जो चीजें हैं पॉसिबल हैं वो सारी चीजें हम अपने व्हाइट पेपर में लेकर के आ रहे हैं। तो एक बहुत जबरदस्त व्हाइट पेपर का भी इफेक्ट आप लोगों को मिलने वाला है जो आज तक किसी कंपनी का व्हाइट पेपर में नहीं देखा। आपने हमारा ओजोन का जो टेस्टनेट का जो एक्सप्लोरर देख रहे होंगे उसमें जितने फीचर्स आप देखेंगे, जितने आप जो फीचर्स देखे होंगे वो एक हर फीचर्स को वहां पे शो कर दिया गया हमारा रिपोर्टिंग के अंदर में। इतनी फीचर्स आप उस इथेरियम के मशीन पर देखेंगे नहीं मिलेगा, बीएनबी पर देखेंगे नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ऐसी चीजें हो रही है ट्रांसपेरेंसी जिससे कि अब हमें इतना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जितना था उसका 1000 गुना कॉन्फिडेंस लेवल हमें एक्सप्लोरर देखने के बाद में और उसके व्हाइट पेपर पढ़ने के बाद में मुझे पता चल चुका है। तो यूं समझ लीजिए माय डियर फ्रेंड्स कि एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आई है पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, राइट। और 30 तारीख को तो ये साबित हो ही जाएगा जब हमारी पूरी ग्लोबल टीम जिसमें हमारे जो फाउंडर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, जो मार्केटिंग के जो टीम है, एक्सचेंजेस के जो लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, मार्केटिंग स्टडी जो हम बना रहे हैं हम इन्फ्लुएंस करने के लिए, सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए जो टीम है, तो सारे के सारे लोगों की जितनी भी टीम है वो 30 तारीख को अभी डेट बना है बट अभी फाइनली आया नहीं है। आप लोगों को बहुत जल्द यानी कि 20 से 21 तारीख तक आपको सब लोगों के नेम फोटोज के साथ में हर चीजें आपको इसी वीक में समझ लें कि मिल जाने वाली है। तो उससे भी आपका एक अच्छा प्रमोशन होना शुरू होगा, यानी ग्लोबल प्रमोशन अब कंपनी के तरफ से शुरू की जा रही है। पहले क्या था कि हमें वेल्थ से बचाने थे, हमें ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना था, लेकिन अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी कम्युनिटी में उस लेवल के लोग खड़े हो चुके हैं कि अब कोई भी आए हमें फर्क नहीं पड़ेगा, अब जो भी आएगा हमारे ही लोग से इनकम लेने, हमारे ही लोगों का क्वाइन लेने वाले। दूसरी चीज की बहुत सारे लोगों का ख्याल ये होगा कि कंपनी क्वाइन बनाएगी और वो अपना क्वाइन सेल करना शुरू करेगी, पब्लिक का नहीं बिकेगा। तो ये भी बिल्कुल आप लोग दिमाग से निकाल दें कि कंपनी कोई भी अपना क्वाइन सेल नहीं करने जा रही है, जितना भी क्वाइन माइन होगा वो सारा का सारा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर लॉक हो जाएगा और जहां से पब्लिक जो पुरानी क्वाइन देंगी तभी न्यू क्वाइन आएगा और उसी को पब्लिक ही क्वाइन को वहां पे लिस्ट करने वाली, यानी पब्लिक की तरफ से ही क्वाइन को लिस्ट करवा दिया जाएगा, यानी पब्लिक ही जाकर वहां पे लिक्विडिटी डालेगी सेल करेगी, राइट। कंपनी भी उसी तरह से परफॉर्म करेगी जिस तरह से पब्लिक को करना है, क्योंकि आज के डेट में भी समझ ले कि 15 लाख के आसपास पब्लिक के पास में क्वाइन स्टेकिंग है, कंपनी का लगभग 50,000 के आसपास है। तो जो उनके पास माइनिंग आ रही होगी उसी को कंपनी अगर सेल करना चाहे तो सेल कर पाएगी, बाकी पब्लिक को जितना करना है। तो सबके लिए नियम बराबर रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीजें लिखी हुई रहेंगी। तो हर एक चीज यूं समझ लीजिए कि पब्लिक ओरिएंटेड ही है, कंपनी का कोई इंटेंशन नहीं है कि हम ब्लॉकचेन से माइनिंग का पे हम डिपेंडेंट रहे, माइनिंग से हमको इनकम आए। माइनिंग तो बस एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग है कंज्यूमर बनाने के लिए, बाकी जो ब्लॉकचेन की जो अपनी जो वेब थ्री एप्लीकेशंस बनने जा रही हैं बिलिंग को लेकर के हो, उसके अलावा जो कॉपीराइट्स के लिए QR कोडिंग ये सब हो रही हो, इसके अलावा बहुत जल्द कंपनी OTT प्लेटफॉर्म वगैरह सब लेकर आ रही है, मतलब एक एक चीज जो जेन्युइन तरीके से है, गेमिंग OTT ये सारी चीजें जो एक्चुअल में जरूरत होगी उस पे कंपनी फोकस कर रही है, क्योंकि हमारा ये जो ब्लॉकचेन है इसकी वजह से बहुत सारी चीजें रोक कर रखी है, जैसे NFT वॉल है तो हमारी न्यू ब्लॉकचेन के ऊपर उसको लाइव करना है।
तो हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए आप यूं समझ ले कि दो तीन प्रोजेक्ट तो आपको आप मिल जाएंगे इसी क्वार्टर में, यानी कि अप्रैल से जो क्वार्टर शुरू होगा इसमें दो तीन या उससे ज्यादा माइनिंग के अलावा प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे जिसकी वजह से डिमांड बढ़ेगा। बहुत ज्यादा डिमांड हमें क्रिएट भी नहीं करना है कि कॉइन का रेट बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए, बट ग्रेजुअली अब कंपनी थोड़ी थोड़ी प्राइस को लेकर के ग्रोथ के ऊपर ध्यान देगी। हाँ, एक बार में 100 से 200 नहीं होगा, बट 100 से 105 110 इस तरह से धीरे 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 ग्रोथ, एक साल में ये 200 तक जाए, इस तरह से कंपनी अपना स्ट्रेटजी प्लानिंग करेगी। हाँ, बट हो सकता है कि कई बार कंपनी का स्ट्रेटजी भी फेल हो जाता है और इतनी ज्यादा ज्वाइनिंग आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी ज्यादा कम्युनिटी हमारी है नहीं, बहुत बड़ी कम्युनिटी नहीं है। भले बिजनेस हमारा बहुत बड़ा हो गया है, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा हो चुका है, बट कम्युनिटी हमारी अभी भी कम है। अभी भी हमारे पास बहुत मौका है कि हम मैक्सिमम लोगों को इसमें ज्वाइन करें, और हम एक ब्रांड बन चुके हैं, हर एक चीज हमने फुलफिल किया है। तो आज भी हमारे सिस्टम के अगेंस्ट में कोई सिस्टम खड़ा नहीं हो सकता है, चाहे वो जितनी भी चकाचौंध की दुनिया लेकर आ जाए, जितना भी वो प्रमोशन कर ले, लेकिन हमारे टेक्नोलॉजी के सामने वो जीरो है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये हमारी थोड़ी सी ब्रीफ हो गई।